नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। मैं तुषार आपके साथ। मणिपुर वायलेंस, दो छात्रों के शव की तस्वीर वायरल होने से मणिपुर में तनाव और भी ज्यादा बढ़ चुका है। जुलाई में लापता हुए दो युवकों के अपहरण और हत्या के बाद मणिपुर की राजधानी इम्फाल में तनाव जारी है। इस बीच हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए इम्फाल में एक रैली भी निकाली गई है। आपको बता दें कि न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इससे पहले मणिपुर के इम्फाल में सीएम सचिवालय से लगभग 200 मीटर दूर मोईरंग खोम में पथराव कर रही भीड़ को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने बुधवार को आंसू गैस के गोले दागे। इस घटना में कई छात्र घायल हो चुके हैं। छात्र जुलाई में लापता हुए युवकों के अपहरण और हत्या के विरोध में आयोजित की गई एक रैली में भाग ले रहे थे। लापता युवकों की तस्वीरें हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। अधिकारियों ने बताया कि छात्र वी वांट जस्टिस के नारे लगाते हुए मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के बंगले की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं रैली का नेतृत्व कर रहे छात्र नेता लांथिंगम्बा ने मीडिया से बात करते हुए दोनों युवकों के हत्या करने वालों को गिरफ्तार करने की मांग की है। उन्होंने कहा, हम मांग करते हैं कि दोनों युवकों के हत्यारों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया जाए और उनके अंतिम संस्कार के लिए उनके शव बरामद किए जाए। छात्र नेता ने कहा, हम अपनी शिकायतों को लेकर मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं। हमारे दोस्तों और साथियों की बेरहमी से हत्या की जा रही है। ऐसे हालात में हम अपनी पढ़ाई कैसे जारी रख सकते हैं। अधिकारियों ने कहा कि पुलिस ने छात्रों का रोष कम करने के लिए ऐलान किया कि वे छात्र प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों से मिलने की अनुमति देने की व्यवस्था कर रही है। इसी बीच कुछ छात्रों ने पथराव शुरू कर दिया और हालात अचानक खराब हो गए। इसके बाद सुरक्षाकर्मी हरकत में आए और भीड़ को तितर बितर करने के लिए उन्होंने कई राउंड आंसू गैस के गोले दाग दिए। इससे पहले मंगलवार यानी कि 26 सितंबर को आरएएफ कर्मियों और स्थानीय लोगों के बीच भी झड़प देखने को मिली थी। इसमें 45 लोग जख्मी हो गए थे। घायलों में बड़ी संख्या छात्रों की है। आपको बता दें कि मणिपुर का मामला जो अभी कुछ समय पहले ही शांत हुआ था, जहां कुछ समय पहले इंटरनेट की जो सेवाएं हैं वो दोबारा से शुरू कर दी गई थी, अब एक बार फिर से मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा का दौर दिखना शुरू हो गया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज़। मैं तुषार, धन्यवाद।